आने वाले 20 सालों में देहरादून इकोनॉमिकली ग्रो करे, यहाँ पे यहाँ की इकोनॉमी बढ़े। हम लोग अपनी प्रोटेस्ट सोशल मीडिया पे ही तक ही लिमिटेड नहीं रख सकते कि भाई किसी ने कहा कि अरे वो पेड़ कट रहा है, चलो डिसलाइक कर लो। हाँ, उससे काम नहीं चलेगा। 10-15 मिनट आप साइकिल चलाओ या पैदल चलो आधा घंटा, तो आप जंगल में अपने आप को पाते। वेलकम टू देहरादून लाइव, और मैं हूं आपके साथ शिफाली राणा। लोकेश ओहरी जी को काफी ज्यादा लोग देहरादून में जानते हैं, बीन देयर डून दैट के वो फाउंडर है। इसके साथ ही कैफे लाटा, जो कि यूथ की और काफी सारे लोगों की काफी पसंदीदा जगह है देहरादून में विजिट करने के लिए, आज उनसे जानेंगे बीन देयर डून दैट के बारे में। इसके साथ ही किस तरीके के उनके अनुभव रहे हैं हेरिटेज वॉक्स कराने में। सो सबसे पहले वेलकम सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो सर, सबसे पहले तो आप मुझे बीन देयर डून दैट का जो ख्याल आपके दिमाग में है तो उसके बारे में बताइए। हाँ, बीन देयर डून दैट एक ग्रुप है देहरादून के सिटीजन्स का, देहरादून के रहने वाले लोगों का और इसके आसपास के लोगों का, जिसका जो हेरिटेज वॉक्स करते हैं। और हम लोग हर संडे कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, किसी नई जगह पर जाते हैं और वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ का कल्चर, वहाँ के पेड़ पौधे, पक्षी, इन सब के बारे में जानते हैं। तो बीन देयर डू दैट का ख्याल हमको इसलिए आया कि ये जो इनपुट है, ये जो चीजें हैं जो हमारी सोसाइटी की जान है, तो हमारा कल्चर, हमारी हिस्ट्री, हमारी नेचर, ये इनपुट एजुकेशन से बहुत कम मिल रहा है। तो हमें लगा कि चलो सड़क पे ये क्लासरूम लगाया जाए, और ये सड़क का ही क्लासरूम बीन देयर डू दैट है कि हम लोगों को बुलाते हैं एक जगह पे और फिर उस पूरी जगह के बारे में बताते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा ज्ञान लोगों को उस जगह के बारे में होगा, वो उतना ही कोशिश करेंगे उस जगह को बचाने के। बीन देयर डून दैट में मतलब जो आप बोले हेरिटेज वॉक्स आप लोग करवाते हैं, तो जो लोग जुड़ते हैं उनका एज फैक्टर क्या रहता है? सभी एजेस के लोग आते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे आते हैं। जैसे हमारी रस्किन बॉन्ड वॉक होती है, आपको मैं बताऊं, रस्किन बॉन्ड बहुत ही पॉपुलर ऑथर हैं और बच्चों में तो खासकर पॉपुलर हैं। उनका पूरा बचपन देहरादून में बीता, तो हम बच्चों को ये बताते हैं कि रस्किन बॉन्ड यहाँ रहा करते थे, इस दुकान पे काम करते थे और ऐसे वो बाजार जाते थे, यहाँ पे बैठ के उन्होंने ये लिखा। तो ये छोटी छोटी चीजें जब हम बच्चों को बताते हैं, उनको बहुत इंटरेस्ट आता है। और एल्डरली लोग भी बहुत हैं, मतलब जो एल्डरली हैं 60-70+ 80 ईयर्स ऑफ एज, वो लोग भी इन वॉक्स को कर पाते हैं क्योंकि बहुत स्ट्रेनुअस नहीं होती है, बहुत इस पर डिमांड नहीं, फिजिकली बहुत डिमांडिंग नहीं होती, 2-3 घंटे में वॉक खत्म हो जाती है। हर एक एज ग्रुप यूथ भी बहुत जुड़ता है इससे, और हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में बच्चों के लिए करते हैं ताकि उनको भी हिस्ट्री समझ में आए इस जगह। अच्छा सर, इसके अलावा बीन देयर डून दैट का जो मेन आपका आइडिया है वो तो ये रहा हेरिटेज वॉक और कल्चर को बचाने का, तो मेन जो आपका कल्चर के ऊपर फोकस मतलब क्या है, मतलब हमारी जो चीजें हैं उनके ऊपर या फिर हमारा रहन सहन सभ्यता? देखिए, जो हमारा कल्चर होता है या जो हमारी हिस्ट्री होती है, वो हमारी आइडेंटिटी होती है, हम उससे बच नहीं सकते। मतलब हम अपने कल्चर को ये नहीं कह सकते कि हम मुगलों की बात ही नहीं करेंगे या अंग्रेज यहाँ पे आए तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। ये एक मतलब ये हमारी दास्ता को दिखाता है, एक स्लेवरी वाली मेंटालिटी को दिखाता है। हमें उसके बारे में बात तो करना ही पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा। तो जो हमारी हिस्ट्री है वो लोगों को पता हो और हम उसको खोए ना। जैसे देहरादून में इतने पेड़ हैं जो कि 200-300 साल पुराने, उनका भी अपना एक रोल है हमारी सोसाइटी में। तो ये सारी चीजें मिल करके हमारी आइडेंटिटी बनाते हैं कि मैं कहता हूँ कि मैं देहरादून से हूँ, बहुत प्राउडली कहता हूँ। आपको भी शायद ये फीलिंग आती होगी कि ये हमारी रूट्स हैं, ये हमारी जड़ें हैं। तो उन जड़ों को बचाएगा कौन और उनको मजबूत कौन करेगा? वो भी तो सिटीजन्स ही करेंगे, आपके मेरे जैसे यहाँ के रहने वाले लोग ही करेंगे। तो मकसद यही है कि लोग इन रूट्स को पहचाने, अपनी आइडेंटिटी को पहचाने और इसको बचाने के लिए भी आगे आए जब जरूरत पड़े तो। अच्छा, अभी आपने 150-200 साल पुराने पेड़ों की बात करी है, हमको ये भी पता है कि आपका प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर भी काफी ज्यादा
प्रमोट आप करते हैं, तो उसके लिए मतलब किस तरीके से आप लोगों को जागरूक करते हैं? जी, एक तो हम अपनी वॉक्स पे इन पेड़ों के बारे में बात करते हैं, दूसरा एक हमने वेबसाइट शुरू करी है जिसका नाम है treesofdehradun.org। तो treesofdehradun.org में कोई भी व्यक्ति जाके अपने घर के आसपास के किसी पुराने पेड़ के बारे में इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो हमारी उम्मीद ये है कि कुछ सालों में एक रजिस्ट्री बन जाएगी, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हमारे पास हो जाएगा इन पेड़ों का, और जब भी उन पेड़ों पे कभी कोई खतरा आएगा तो हम सब मिलेंगे और उनको बचाने का प्रयास करेंगे। तो मसूरी का आप बताएंगे कि मतलब पहले के मुकाबले भी क्या क्या चीजें बदली है? जी, मसूरी बहुत छोटा सा एक हिल स्टेशन था और इसको एक कॉन्वेलेसेंट सेंटर के तरह एस्टेब्लिश किया गया, मतलब जो सिपाही थे या जो ऑफिसर्स थे जो जंग में जिनको चोट लग जाती थी उन लोगों को यहाँ लाया जाता था कि वो उनकी तबीयत ठीक हो जाए, तब तक यहाँ रहे। धीरे धीरे ये हिल स्टेशन ग्रो कर गया और बहुत ही अट्रैक्टिव हिल स्टेशन बन गया, क्वीन ऑफ हिल्स इसको लोग कहने लगे, दिल्ली के इतनी पास था तो बहुत सारे लोग यहाँ आने लगे। मसूरी का पर्यावरण भी बहुत खतरे में है क्योंकि वीकेंड्स पे या जब छुट्टियां होती हैं तो यहाँ पे टूरिस्ट इनफ्लो इतना बढ़ जाता है कि मसूरी में आपको बताऊं कि मिड 80s में 1985-86 में मसूरी अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा यहाँ की पॉपुलेशन हो गई थी। तो किसी भी जगह की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कितनी जनसंख्या को ले सकता है, तो उससे ज्यादा पहले ही उसकी कैरिंग कैपेसिटी हो गई। तो जब उत्तराखंड बना 2000 में, उसके बाद से तो वहाँ जनसंख्या बहुत ही बढ़ गई। तो हम लोगों का भी यही प्रयास है कि पर्यटक तो आएंगे, पर्यटन अच्छा है, लोगों के लिए जीविका का भी एक साधन है, तो लोग मसूरी के आसपास के क्षेत्रों में भी जाएं और जो हमारा पर्यटन हो वो एक तरह का ऐसा पर्यटन हो कि वो एक तो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे हम पैदल चलते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, जगह देखते हैं, ना उससे कोई पोल्यूशन होता है, ना उससे कोई ट्रैफिक जैम होता है। तो एक तो वो पर्पस है हमारा, और मसूरी को उसी तरह के पर्यटन की आवश्यकता है कि मतलब कोई आदमी अगर प्रकृति से जुड़ने के लिए आ रहा है वो अपने तो प्रकृति को खराब ना, हाँ, उसको खराब ना करे, उसको बचा के रखे। और मसूरी के सामने ये संकट है, पानी का संकट है, पर्यावरण का संकट है, उसके बारे में कुछ करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन्स आप लोग चलाते हैं ना, तो आप मुझे उसके बारे में बताएंगे कि मतलब जो अवेयरनेस कैंपेन्स आप लोग चलाते हैं, हेरिटेज वॉक करवाते हैं, ऐसा कोई इंसिडेंट्स या फिर ऐसे कोई लोग जिनको कि उसके बाद से थोड़ा उनके अंदर अवेयरनेस एक्चुअल में आया, उन्होंने आपको कोई फोटोग्राफ शेयर करे हो या फिर ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा बहुत बार होता है, मतलब ये छोटी छोटी सक्सेस स्टोरीज हैं, ये हेडलाइंस भी नहीं छपती अखबारों की, हेडलाइंस में नहीं आती हैं, लेकिन छोटी छोटी सक्सेस स्टोरीज हमें बहुत प्रभावित करती हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े और फिर कुछ ऐसा हुआ कि किसी चीज को बचाया गया। जैसे कि आप कोई छोटा सा इंसिडेंट बताऊं, चक्राता रोड पे पीपल का पेड़ है, तो उसको काटने जा रहे थे रोड वाइडनिंग के लिए, कुछ लोगों ने उसका विरोध किया कि इसको नहीं काटा जाना चाहिए, मुझे भी फोन आया कि आप भी पहुंचिए, मैं वहां गया, लेकिन उनके पास परमिशन थी, DFO की रिटन परमिशन थी कि इस पेड़ को काटा जाए रोड वाइडनिंग के लिए। हमें लगा कि पेड़ सड़क के बीच में नहीं है, किनारे पे है, बचाया जा सकता है। DFO के पास गए, उन्होंने कहा जी ये तो परमिशन सब हो गई है, ये तो कठिनाई है, इसको बचाना मुश्किल है। तो एक छोटा बच्चा था हमारे साथ जो हमारी बॉक्स पे आता था या जो उन चीजों के बारे में थोड़ी और जानकारी हमसे ज्यादा रखता था, तो उसने उस समय उस मीटिंग में कहा कि इसमें कुछ चिड़िया के घोंसले हैं। उसने कहा कि वीवर बर्ड के घोंसले इस पेड़ में हैं, आप इसको कैसे काट सकते हैं? तो वो जो DFO साहब थे वो भी फिर सोच में पड़ गए और वो कहने लगे कि अच्छा तो चलो देखते हैं जाके अगर घोंसले हैं। तो फिर हम लोग वहां गए पेड़ के पास, हमने देखा कि वाकई उसमें घोंसले थे जो कि हम बड़े लोगों में से किसी ने भी नोटिस नहीं किया था। और जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं अब इस पे तो दूसरा एक्ट लगेगा, इस पे तो जो हैबिटेट्स वाला एक्ट है वो लगेगा और मैं इसकी परमिशन कैंसिल कर सकता हूँ। उन्होंने परमिशन कैंसिल करी, वो पेड़ आज भी खड़ा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें बहुत प्रभावित करती हैं कि ये जो भविष्य के सिटीजन्स हैं ये
हमारे पर्यावरण को और देहरादून को बचाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा आपकी कुछ मेमोरीज, चाइल्डहुड मेमोरीज, क्योंकि शुरुआत से आप देहरादून में ही है, तो आपने जितने बदलाव देखे होंगे, हमने तो उसके आधे भी अभी नहीं देखे, तो थोड़ा वो कुछ मेमोरीज आपकी। हाँ, देहरादून बहुत ही प्यारा शहर था, अभी भी बहुत प्यारा शहर है, और मेरी मेमोरीज में सबसे जो डीप मेमोरी है वो ये है कि हम लोग राजपुर रोड पे रहते थे, और किसी भी सड़क पे निकलते थे तो साथ साथ में कैनाल बहती थी। तो यहाँ पे जैसे ईस्ट कैनाल रोड पे कैनाल थी, राजपुर रोड पे कैनाल थी, और वो कैनाल की आवाज हमेशा कानों में रहती थी देहरादून में रहने वालों के। अब धीरे धीरे हमने कैनाल्स को ढक दिया है, और इस वजह से ऐसा लगता है कि मतलब आप सोचिए कि वेनिस जैसा शहर अगर अपने कैनाल्स को ढक दे तो उस शहर की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। तो वो एक मेमोरी मेरी बहुत स्ट्रांग है कि जब भी आप साइकिल पे जाओ या कहीं पैदल जाओ तो कैनाल के बहने की आवाज थी, या टांगे चलते थे यहाँ पे, आप घोड़ा गाड़ी से कहीं भी रेलवे स्टेशन जाना हो, बस स्टैंड जाना हो, घोड़ा गाड़ी से धीरे धीरे हम लोग चले जाया करते थे, और बहुत सारे मकान थे जहाँ बाउंड्री वॉल्स नहीं थी। तो बाउंड्री वॉल्स का कॉन्सेप्ट अभी हाल फिलहाल में देहरादून में आया, तो हम लोग कहीं से भी होते हुए कहीं भी निकल जाते थे, और हर मुझे लगता है 10-15 मिनट आप साइकिल चलाओ या पैदल चलो आधा घंटा, तो आप जंगल में अपने आप को पाते थे, इसके आसपास इतने जंगल थे, और अभी भी काफी ग्रीनरी है देहरादून, अभी काफी बाकी सिटीज में अगर हम जाएं थोड़ा दूर जाना पड़ता है, बस वैसे फिर भी काफी ग्रीनरी है आसपास, तो वो मेमोरीज बहुत मेरी अलाइव है आज तक देहरादून। ठीक है। अच्छा सर, आने वाले 20 साल में देहरादून को कैसा देखते हैं आप? देखिए, मेरा तो विजन यही है कि आने वाले 20 सालों में देहरादून इकोनॉमिकली ग्रो करे, यहाँ की इकोनॉमी बढ़े, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, और एक हमें विजन को लेकर के चलना पड़ेगा, इसी तरह के विजन को कि जो हमारी अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे हम ज्यादा पेड़ लगाएं, उसमें ग्रीनरी बना के रखें, हमारा आर्किटेक्चर भी ऐसा हो, जो नई बिल्डिंग्स हम बनाते हैं, जो नए एरियाज बनाते हैं, वो भी ऐसे हो कि जो पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। हमारी नदियां हैं रिस्पना या बिंदाल या सौंग, आप देख रहे हैं उनकी हालत बहुत खराब है, प्लास्टिक से भरी पड़ी है, पानी काला हो चुका है। तो मैं तो ये देखता हूँ कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये नदियां फिर से रिवाइव हो, फिर से इनमें जो पानी है वो साफ हो, प्लास्टिक वहां से निकले। हम लोग सबको अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, उससे ये हो सकता है, और सब मिलके प्रयास करेंगे तो संभव है। अगर आप मान लो किसी को बोलेंगे कि रहने के लिए बेस्ट प्लेस, तो देहरादून को आप ऑब्वियसली बातें भी आर फ्रॉम देहरादून राइट सर, तो आप उनको मतलब क्या एग्जांपल्स देके बोलेंगे यू शुड चूज देहरादून रादर देन एनी अदर सिटी और स्टेट? हाँ, मैं उनको कई एग्जांपल्स दे सकता हूँ देहरादून के लिए। एक तो देहरादून का मौसम कब बदल जाए इसका कुछ पता नहीं, कभी आप देखेंगे कि बहुत तेज बारिश हो रही है फिर एकदम धूप निकल आती है, एक एरिया में बारिश हो रही दूसरे एरिया में बारिश नहीं हो रही होती। तो यहाँ का मौसम अच्छा है, फुट हिल्स में हम लोग हैं, यहाँ ग्रीनरी है चारों तरफ। सबसे बड़ी एडवांटेज देहरादून की यही है कि आप 15 से 20 मिनट ड्राइव करो और आप अपने आप को जंगल ग्रीन एरिया में पाते हो, तो आप उसका यहाँ ड्राइव्स का या पैदल चलने का मजा भी ले सकते हैं। और देहरादून में इतनी इंस्टीट्यूशंस हैं, इतने इंडिया के जाने माने इंस्टीट्यूशंस हैं, तो यहाँ रिसर्च करने वाले पढ़े लिखे लोग बहुत हैं। एक चीज देहरादून की बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो यहाँ का स्ट्रीट फूड है, यहाँ का जो खाना है वो बिल्कुल अलग है दूसरे शहरों से, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है, वो भी एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके लिए देहरादून में रहना चाहिए। स्ट्रीट फूड क्या है? स्ट्रीट फूड की बात कर रहे हैं जी। तो देहरादून में एक तो जैसे ये फ्यूजन है इंडियन क्विजीन का और वेस्टर्न क्विजीन का, क्योंकि ये कैंटोनमेंट शहर था, यहाँ पे फौज थी अंग्रेजों के समय में, तो जैसे बन यहाँ के बहुत पॉपुलर थे, तो यहाँ की जैसे बन टिक्की होगी या बन समोसा होगा, ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग स्ट्रीट फूड है। और
समय समय पर लोग यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पे देहरादून को अपनाया। जैसे कि एक पेशावर एरिया का खाना है जिसको बोलते हैं कतलम में छोले, तो कतलम में छोले भी यहाँ का एक स्पेशलिस्ट फूड है जो और शहरों में नहीं मिलता, आसपास के शहरों में भी नहीं मिलता, लेकिन देहरादून में बहुत अच्छे तीन चार कतलम में छोले की जगह है। तो यही मेरे फेवरेट स्ट्रीट फूड्स हैं। ठीक है सर, एंड में, अब एंड नोट में आप यूथ को क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे, मतलब कि ताकि वो थोड़े से इंस्पायर हो जी, चाहे वो नेचर को लेकर हो, कल्चर को लेकर हो जी। हाँ, मैं यूथ को यही कहना चाहूंगा कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारे आसपास की जगह है, जो हमारा इतिहास है, उसको हमें जानने की जरूरत है। हर एक जागरूक सिटीजन को उसको जानने की जरूरत है और उसके बारे में थोड़ा सा हमें एक्टिव भी होना पड़ेगा। हम हर चीज सरकार को नहीं ब्लेम कर सकते, हम लोग अपनी प्रोटेस्ट सोशल मीडिया पे ही तक ही लिमिटेड नहीं रख सकते कि भाई किसी ने कहा कि अरे वो पेड़ कच्चा है चलो डिसलाइक कर लो, उससे काम नहीं चलेगा। अगर आप चल रहे हैं सड़क पे, कोई प्लास्टिक फेंक रहा है या कोई कचरा कर रहा है या कोई पेड़ काट रहा है, तो आप उससे सवाल जरूर करें, आप उसको एक बार बोले जरूर। मैं राजपुर रोड पे बहुत बार जाता हूँ, लोग बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में आते हैं देहरादून और जो खाते हैं वो शीशा नीचे किया और सड़क पे फेंक दिया। तो मेरा शहर डस्टबिन नहीं, मेरा जो शहर है वो उसको डस्टबिन ना मैं करने दूं, मैं उसको रोकूं, उस व्यक्ति को उससे सवाल करूं कि भाई ऐसा मत करिए, आप प्लीज अपना कचरा अपने साथ रखिए, इसको ठीक से डिस्पोज ऑफ कीजिए। मतलब हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, पोलाइटली हम कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें ये एक्टिव होना पड़ेगा इन चीजों के लिए ताकि हम इन चीजों को किसी तरह से रोक सकें। चेंजेस अपने अंदर पहले लाओ फिर तब इम्प्लीमेंट करें। तो ये थे हमारे साथ लोकेश ओहरी जी, जिनको आपने देखा, उनकी बातें सुनी। आशा करती हूँ कि काफी ज्यादा लोग इनसे इंस्पायर जरूर होंगे। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही कैफे लाता जरूर एक बार विजिट करें।